Allahir Rahmanir Rahim. Welcome to Robotics, a new subject. Today I deliver my first lecture. Question arise. Now the question arise here is, what is robot? Ke robotic asal mein hai kya cheez? Robot is a Greek word which mean worker. Robot ek Greek word hai jiska matlab hai worker, kaam karne wala. Robots are the electromechanical machines to provide comfort to the human beings. Robot ek machine hota hai jo human beings ki zindagi ko aaram pahuncha deta hai. For example, yahan bahut sare robots aise honge jisse hum human beings fayda uthate hai, jo hamare kaam ko bahut hi zyada easy bana lete hai. Iske bahut sare aqsam hai robot ke. Aaj hum wo bhi bahut zyada detail mein padhenge. Application of robotics. Number first, application of robotic is drone. Second one, humanoid robot. Third one, exoskeleton. Fourth one, virtual reality. Lekin aaj hum just introduction to drone padhenge. Aur baki lecture mein main aap logo ko detail se phir in tino applications ke bare mein bataungi. Aaj just introduction to drones ke bare mein padhte hai ki what is drone. A drone in technological term is an unmanned aircraft. Essentially, a drone is a flying robot that can be remotely controlled or fly autonomously through software control, flight plan in their embedded system, working with onboard sensor and GPS. Ab drone asal mein hai kya cheez? Drone ek aircraft hai जो कि या तो रिमोटली कंट्रोल होता है या उसमें कुछ सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया हुआ होता है और वो क्या करता है, अनबोर्ड सेंसर और जीपीएस के थ्रू वो काम करता है. आप लोगों ने ड्रोन्स देखे भी होंगे कि ड्रोन कैसे होते हैं. मैं आज आप लोगों को ड्रोन के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगी और उसके पिक्चर्स भी साथ-साथ में शो करती जाऊंगी. Number first application of drone is drone in aerial photography. कि हम हवा में जो तस्वीरें खींचते हैं वो हम ड्रोन के जरिए खींचते हैं. One of the most common use of advanced camera carrying drone unit is to capture media coverage from the inaccessible location. Can see such drones in different event for photography and event. आप लोगों ने बहुत सारी इवेंट्स में इस तरह की फोटोग्राफी और वीडियोस देखे हुए होंगे जो ड्रोन्स के जरिए वो बनाते हैं. ड्रोन क्या करता है, हवा में उड़ता है और हवा में ही हमारे पिक्चर्स और हमारी वीडियो वो खींचता जाता है, वीडियो वो बनाता जाता है. आप लोगों ने मुख्तलिफ इवेंट्स में देखे हुए होंगे जो ग्रुप फोटो होता है या जो भी होता है जो ऊपर हवा से खींचा गया, तो वो किसके थ्रू होता है, वो एरियल फोटोग्राफी के थ्रू होता है. और ये भी ड्रोन की एक एप्लीकेशन ही है. आप लोग पिक्चर में भी क्लियर ये देख सकते हो, पिक्चर में आप लोग को नज़र आ रहा है कि ड्रोन है और उसके और उसमें एक कैमरा फिक्स किया गया है जो ऊपर से वीडियो भी बना सकता है और पिक्चर भी खींच सकता है. अब हम इसकी सेकंड एप्लीकेशंस की तरफ आते हैं. सेकंड एप्लीकेशन है यहाँ पे ड्रोन. ड्रोन इन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन. कहाँ पे? जो रेस्क्यू ऑपरेशन में हम यूज़ करते हैं. दिस टाइप ऑफ ड्रोन्स हैव द स्पेशल सेंसर दैट कैन हेल्प द रेस्क्यू पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर और फायर इन द बिल्डिंग एट्सेट्रा. ये क्या करता है, इस ड्रोन में जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है, इसमें स्पेशल सेंसर यूज़ होता है जो कि रेस्क्यू पीपल को हेल्प करता है डिफरेंट प्लेसेस में जो होते हैं. इन अ केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर और फायर इन द बिल्डिंग एक्सेट्रा. फॉर एग्जांपल, अगर कोई कुदरती आफात आ जाए या बिल्डिंग में आग वगैरह लग जाए, तो इससे ये हिफाजत के लिए या वहाँ से निकालने के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ये वाले ड्रोन यूज़ होते हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन में ड्रोन बहुत ही ज़्यादा मुफीद है क्योंकि ये वहाँ तक पहुँच सकता है जहाँ तक हम आम इंसान आसानी से नहीं पहुँच सकते. तो ड्रोन हमारे लिए काम बहुत ही ज़्यादा इजी बना देता है. जिस तरह आप लोगों को ये इस पिक्चर में भी क्लियर दिखाया गया कि ऊपर हवा से ये ट्यूब फेंक रहा है नीचे रेस्क्यू पीपल्स के लिए, या फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बिल्डिंग में अगर आग लग जाए तो ये आराम से वहाँ तक पहुँच सकता है और वहाँ रेस्क्यू पीपल को निकाल सकता है. अब हम मूव करते हैं थर्ड एप्लीकेशन की तरफ, ड्रोन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर.
कि एग्रीकल्चर में ये क्या काम देता है। ड्रोन कैन हेल्प फार्मर टू सेव देयर मनी एज वेल एज क्रॉप बाय कीपिंग एन आई ऑफ फॉलिंग प्लांट्स। ड्रोन क्या काम करता है, ये किसानों की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, उसकी उनका पैसा बचाता है और उनकी फसलों की देखभाल भी करता है। ये क्या स्टडी करता है, ये बहुत बड़े लैंड को ये स्टडी कर सकता है, बहुत लार्ज साइज का जो हो, विथ प्रॉपर मोनिटरिंग ऑफ इरीगेशन सिस्टम। फार्मर कैन नाउ होप फॉर ऑल इंफॉर्मेशन अपडेट क्विकली एंड ड्रोन कैन आल्सो हेल्प देम टू स्प्रे फर्टिलाइजर। अब किसान आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे खेत कैसे हैं, मेरे फसल सही है या नहीं है, और ये किसानों की ये भी मदद करता है, उनके लिए ये स्प्रे भी आराम से कर सकता है और फसलों को पानी भी दे सकता है ये। तो ड्रोन ने फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में किसानों की बहुत ज़्यादा हेल्प की है और अभी कर भी रहा है। न्यू टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस हो रही है इसी बारे में, ताकि और भी ह्यूमन बीइंग के लिए आसानी पैदा हो, जो कि ड्रोन्स का काम ही है ह्यूमन बीइंग्स के लिए आसानी प्रोवाइड करना। अब फोर्थ एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन में है ड्रोन इन द शिपिंग एंड डिलीवरी एरिया। As an advanced drone unit are capable enough to carry heavy payload, so they can now be utilized by shipping and delivery application. It will help people to get instant service for their requested products at the doorstep, and the best part is that it will not stuck anywhere in the road jams. You can now get your food order within few minutes at your place. अब ये ड्रोन शिपिंग में और डिलीवरी में कैसे काम आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों ने कोई चीज़ मंगवानी है, कोई ऑर्डर देना है, तो अगर ड्रोन लेके आ रहे तो आसानी से विद इन मिनट्स आप लोग के डोर पे ही मौजूद होंगी, क्योंकि ड्रोन ना तो ट्रैफिक में जमता है ना कहीं और। ये क्या करती है, ऊपर हवा में उड़ता है और आराम से आप लोग के लिए आपकी डिलीवरी वो ला सकता है। और ये क्या काम करता है, भी लोड को ये आराम से उठा सकता है, इसीलिए इसमें भी शिपिंग में भी कोई प्रॉब्लम फिर पेश नहीं आती। अब ड्रोन आप लोगों के लिए क्या कर रहा है, एरियल फोटोग्राफी में भी आप उसको यूज़ कर रहे हैं, रिस्क ऑपरेशन में भी यूज़ कर रहे हैं, फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में भी आपके काम आ रहे हैं, डिलीवरी एंड शिपिंग में भी ये आपके काम आ रहे हैं। और ड्रोन असल में है क्या चीज़, ये रोबोटिक्स की एप्लीकेशन है। तो ये ह्यूमन बींग्स लाइफ को ये बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल बना रहा है। मैंने स्टार्ट में रोबोटिक्स की डिफिनीशन में बताया था कि रोबोट्स का क्या काम होता है, ये एक वर्कर है जो कि ह्यूमन बींग लाइफ को कम्फर्टेबल बनाता है। तो आप ये ड्रोन की एप्लीकेशंस भी देख लें कि किस तरह ये ह्यूमन बींग लाइफ को कम्फर्टेबल बना रहा है।